हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया, और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया को स्कीम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे सिवाय इसके। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी इस क्वेश्चन को, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे सिवाय इसके। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको होने पर, मतलब जिसके होने पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर से बताइएगा। क्या आपको इस क्वेश्चन की तलाश रहती है, ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। चूजिंग के लिए आप इमोजी दिए गए हैं, तो इमोजी लिस्ट ये रही। जल्दी से आप इनमें से किसी एक इमोजी को चूज़ कर लें, क्योंकि दोस्तों जो इमोजी आप यहाँ पे चूज़ करोगे, आगे चलकर उसी इमोजी पे जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। आप सभी जानते हो इस बात को, तो जल्दी से चूज़ कर लें। आई होप आपने अपना इमोजी चुन लिया होगा। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे होने लगी है लोडिंग, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी हुई अब खत्म। आंसर देख लेते हैं, जिसने भी चूज़ किया था इस इमोजी को, उसके लिए सबसे पहले आंसर देखेंगे। वो आपको किसी और का होता हुआ देख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी शादी किसी और से फिक्स हो जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो, जिसने भी चूज़ किया इस इमोजी को। चलिए देखते हैं आंसर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, याद दिलाने की बारी आ गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप सबसे पहले देख सकें और अपना लक आजमा सकें। ठीक है, आंसर देखते हैं। आप उनको देख कर जब इग्नोर कर देते हो इस बात को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसने भी चूज़ किया है इस इमोजी को। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। वो आपको परेशान या फिर रोता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब वो आपको परेशानी में नहीं देख पाते, आपको रोता हुआ नहीं देख पाते हैं, ऐसा जब होता है उनके सामने तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले इमोजी की तरफ, जिसने भी चूज़ किया इस इमोजी को। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। आप उनको प्यार करने के साथ साथ अगर धोखा दोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्यार किसी और से करते हैं और आपसे भी प्यार का दिखावा करते हैं, यानी आपको धोखा दे रहे होते हैं, ये बात जब उनको पता चलेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड जिसने भी चूज़ किया इस इमोजी को, उसके लिए आंसर है आपका ये बोलना कि अब आप किसी और को चाहने लगे हो, अब आप उन्हें भूल जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिससे आप प्यार करते हो वो किसी और को चाहने लगे हैं, और वो कहते हैं आपसे कि आप उन्हें भूल जाओ।